बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां पर जिले में अभी तक केवल अधिकारी कर्मचारी और पुरानी पेंशनधारी ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार बुरहानपुर का किसान भी आंदोलन की राह पर उतर गया है। बुरहानपुर जिले में किसानों ने विशाल वाहन रैली निकालकर आंदोलन किया है। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगामी चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे और वर्तमान सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी किसानों की रैली का समर्थन किया है और उनके आंदोलन में भी शामिल हुए। रैली में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुइरा और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी भी शामिल हुए। जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उसे उचित माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जाएगा। शासन स्तर की मांगे जिसका निर्णय शासन को लिया। पहली बात, हमारा आंदोलन कम से कम एक साल से चालू है। ज्ञापन देते वापस जाते, ज्ञापन देते वापस जाते, 3 साल से लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं हम लोग, और ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और कलेक्टर को भी कई बार ज्ञापन दिए, कोई ये नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री को भी दिया, मुख्यमंत्री से बात भी हुई कि हमारे यहाँ बीमा चालू कराओ। मुख्यमंत्री ने अभी तक हमारा बीमा नहीं चालू किया। केला फसल का बीमा आता है वो, और किसानों को नुकसान दे रही है। बीमा सब दूर हो रहा है, बुरहानपुर और प्रदेश में नहीं हो रहा है। इससे लाखों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, बिजली कटौती से हमारी फसलें पानी पानी कर रही है, और ये लोग बाग अग्रिम पैसा लेकर एडवांस में बिल लेकर हमारे को टंगड़ी मारना, मतलब 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारा ये 3-4 महापूर्व जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी, और सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम और ऊंट के मुंह में जीरे देने का काम किया, और पूरे देश में फसल आधारित बीमा, मौसम आधारित बीमा, प्रधानमंत्री बीमा सब दूर हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है बुरहानपुर जिले के किसानों का कि जो हमारा केला किसानों का बीमा नहीं हो रहा है, और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी का काम कर रहे हैं। हम किसान किसी से भीख नहीं।